चालू किया, रिकॉर्डिंग चालू की। सर ये बताइए कि अभी आप उम्र कितने बड़ी, आप बोलते हैं बहुत बड़ा नाम है आपका उम्र, आप मेंबर बनना क्यों चाहते हैं? मेंबर बनो, मेंबर से पैसा वगैरह लेना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? सुरेश जी, हर एक संस्था का, चाहे वो सरकार की संस्था हो चाहे प्राइवेट हो, हर एक संस्था का मैनेजमेंट के लिए एक धन की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सरकार से किसी तरह का ग्रांट डोनेशन नहीं लेते, हमारे जो सदस्य होते हैं, जो मेंबरशिप होती है, उसी से पूरी व्यवस्था भारत के अंदर हम लोग करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मानव के लिए एक ह्यूमन चैन बनाया जाए, जो हमारे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में एक ह्यूमन चैन बने, जिससे हम लोग बुराइयों से बच सकें। हमारी एक सोच पैदा होनी चाहिए कि मैं मानवाधिकार का आदमी हूँ, मुझे गलत काम नहीं करना, मुझे मानव की, मानव कल्याण की सेवा करना है, उनको बचाना है। एक बार मैं आपसे जिक्र अदा करना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर कमिश्नर ने मुझे कुछ पुलिस के गाड़ियाँ भेजी मेरे ऑफिस में, कहा दुआ जी को उठा लो। मुझे पुलिस की गाड़ी मिलाया तो मुझे लगा कि मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, कुछ बात हो गई है। जब मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पहुँचा था तो मैं तब तक काफ़ी डरा हुआ था कि नहीं कुछ ना कुछ तो बात है, लेकिन वहाँ काफ़ी लोग डीसीपी और सारे सीनियर ऑफिसर बैठे थे। तो मुझे कमिश्नर कहा कि यू आर मिस्टर दुआ, यस आई एम दुआ। तो आप जानते हैं कि यूपी में एक मुठभेड़ में एक बंदा मारा गया, आंध्रा का, मुझे नहीं मालूम, मैंने न्यूज़ नहीं देखा। तो उसके पॉकेट से एक ह्यूमन राइट्स का कार्ड मिला है, आपने उसको इशू किया है। तो मैंने बेवाक, मैं समझ गया कि मामला मुझे कहीं ना कहीं उलझाने की बात चल रही है। तो मैंने कहा कि यस, कोई भी आदमी ह्यूमन राइट्स का मेंबर बन सकता है, और ऑफिसर अगर ह्यूमन राइट्स का मेंबर है और एक क्रिमिनल है, बदमाश है, जिसे मैं नहीं जानता, भारत सरकार ने उसको आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड दिया है, तो उन्होंने भी सोच के दिया हो, हमने भी एक आईडी कार्ड दिया। और अगर एक क्रिमिनल जब वो चाकू चलाता है, जब वो पिस्टल चलाता है, और एक मिनट उसके दिमाग में ये आता है कि मैं ह्यूमन राइट्स का आदमी हूँ, तो वो एक मिनट जो हाथ उनका रुकता है, क्राइम को रोकता है। तो उतना ही सुन करके सारे ऑफिसरों ने ताली बजाया, कहा दुआ जी थैंक यू वेरी मच, मैंने गलती किया, आप नाश्ता कीजिए और आपको भाईजत आपके ऑफिस में हमारे ऑफिस से जाके छोड़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ह्यूमन राइट्स एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब लोग जो गलत रास्ते पर जाते हैं, वो भी मानवता को सोचते हुए कि मेरे बहन है, मेरा भाई है, ये मानव है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके हाथ रोकती है क्राइम करने से। तो हमारा उद्देश्य है मानव मानव को जोड़ना, एक ह्यूमन चैन बनाना। तो उसके लिए थोड़े से मेंबरशिप है, फीस है, जिससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, हम संस्था को चलाते हैं, बहुत ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कार्ड बनाना, सर्टिफिकेट्स बनाना, लिटरेचर्स बनाना, तो मैनेजमेंट करना, ऑफिस का खर्चा, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक शुल्क रखा हुआ है, और उसी से हम, उसी दम पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग ग्रांट डोनेशन सरकार से नहीं लेते, सरकार कई बार देने की कोशिश की, और एक हमारी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन है जिन्होंने ठुकराया है। बहुत सारी संस्थाएँ कहती है दे दो, और हम कहते नहीं, मुझे नहीं लेना, और ग्रांट डोनेशन नहीं लिया। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज हम लोग अच्छे तेवर में काम कर रहे हैं। सरकार से भी हम लड़ भिड़ जाते हैं कई जगह, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम प्रेम बांटने वाले लोग हैं, मानव मानव को जोड़ने वाले लोग हैं। और यही वजह है कि राजकुमार चंदन जी, सुरेश मंजेशकर जी जैसे लोगों को लेकर के मैं भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे सपोर्ट, बहुत सारे नौजवानों को लेकर के एक ह्यूमन चैन बना रहे हैं। और जो हमारी एक बड़ी विधायिका है जो पूरे भारत में गवर्न करती है, उसकी एक शासन चलता है, उसका ही हुक्म चलता है, वही लोग पूरे देश को संभालते हैं। तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं जो हमें दिख रही है, और यही वजह है कि अब मानव अधिकार पे लोगों को लोकसभा में, विधानसभा में, नगर पालिका में, और नीचे मुखिया और सरपंच में भी हम लोग चाहते हैं कि मानव से जुड़े हुए लोग, अच्छे सोच वाले लोग वहाँ जाएँ और गंदगियों को साफ करें, मानवता के लिए बात करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने एहरा नेशनल पार्टी का 2009 में गठन किया था, जिसको 2019 में हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जय हिंद। सर ये बताइए कि जो अभी इलेक्शन में जो खटाने वाले, जो लोकसभा हो, MLA हो या नगर सेवक के इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट रहते हैं, उसके तरफ से उसके लिए आपका आर्थिक मदद कुछ होगा क्या? देखिए, पहली बात तो हम ऐसे कैंडिडेट को देखते हैं जो थोड़ा बहुत अपने समर्थ हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं,
और उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। साथ में हमारी संस्था जो भी रिसोर्सेज जमा किया है या कर रहे हैं उनसे भी हम लोग आर्थिक मदद करीब करीब 8 से 10 लाख का हम लोग मदद करने जा रहे हैं, जिसमें लिटरेचर्स हैं, सोशल मीडिया है, मीडिया बहुत सारी चीज़ें हैं, तरह तरह के इलेक्शन में काफ़ी खर्च होते हैं, तो हम लोग उसको मीट कर रहे हैं। और कम से कम बजट में जो इलेक्शन कमीशन ने एक जो सीमा निर्धारित किया है कि एक MP 35 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, हमने कहा हमारे 20 से 21 लाख खर्चे कर करके जीतेगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों का सहयोग ले रहे हैं, कुछ दान अनुदान भी मांग रहे हैं कि भाई कुछ कंट्रीब्यूशन करो तो अच्छे लोग आपके हमारे समाज के अंदर आ सकें, हमारे जनप्रतिनिधि अच्छे आ सकें, ये हमारी कोशिश चल रही है और इसमें कितना कामयाब होते हैं ये समय आपको देखने को जरूर मिले। असर ये बताइए कि अब कोई ह्यूमन राइट्स के बारे में तो लोगों को ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं रहता क्या एक्चुअली ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ह्यूमन राइट्स के जरिए आप क्या क्या काम लेते हैं? बिल्कुल सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं भी कई राज्यों में गया और बहुत अच्छे पढ़े लिखों से सब पूछा कि व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, आई डोंट नो। मैंने अंग्रेजों से पूछा व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, आई डोंट नो। मैंने कहा कि भाई आप ह्यूमन हो, आपको रोटी चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको कहीं रहने के लिए छत चाहिए, मकान चाहिए, तो ये जो चाहिए आपको कपड़ा, रोटी, रोजगार, बोलने का जो अधिकार, ये तो है मानव अधिकार जो हम बचपन से पैदा लेते हैं, जो जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हम जब रोते हैं और जब हमें रोटी, हमें कोई चीज़ पाने की जो चाहत होती है, तो ये जो जन्मसिद्ध अधिकार है कि मुझे दूध चाहिए बच्चे को, वो हमारा अधिकार है। जब हम बड़ा होते हैं तो हमें रोजगार चाहिए, हमारे परिवार को पालने पोसने का एक साधन चाहिए, तो हमारा जो है वो जीवन का अधिकार होता है, शादी, बच्चों को पालने का अधिकार होता है। उसके बाद में हम बूढ़ा होते हैं तो हमें कोई उसकी हमें देखभाल कर सके, हम बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, मुझे कोई पानी पिलाने वाला होना चाहिए, तो ये सारे अधिकार हैं। इस तरह से भारत के संवैधानिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हैं, यूनिवर्सल अधिकार हैं, जो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलता और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे अधिकार को छीन कर अपने अधिकार बना लेते हैं। तो ये जो लड़ाई है रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स का, ये जो मानव अधिकार का जो आवाज़ है, जो हमारे मराठा के अंदर शिवाजी ने आवाज़ उठाई अपने अधिकार के लिए कि स्वराज होनी चाहिए, हमारी शांति होनी चाहिए, उन्होंने लड़ते रहे अंग्रेजों से, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, हमारे मराठों ने कुर्बानियाँ दी, इतिहास भरा पड़ा है, वही है मानव अधिकार और उसके लिए हमें लड़ना होगा और उसके लिए हम काम करें।